हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप जानते हो कि हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और इस चैप्टर पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमें ये पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। इसी के साथ साथ फ्रेंड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जो इंडिकेटर्स के ऊपर में बेस्ड पूछे गए हैं। हम उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, और उस कंसेप्ट के ऊपर में ही बेस्ड मैं आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पर से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ जो एडुटैप आप लोगों के लिए लेके आया है, आपकी सीटीटी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए। ये कोर्स नंबर 1 है, जिसमें आपको जनरल पेडागोजी ऑफर की गई है। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोर्स नंबर 2 फुल कोर्स है पेपर 2 के लिए। इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोर्स नंबर 3 है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल स्टडीज़ के साथ में अपना पेपर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं हम आपको सोशल स्टडीज ऑफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपको मिल जाएगा जनरल पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी और हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमने पेपर 1 के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स है यहाँ पर मैं 2500 रुपीज़ का, कोर्स नंबर 4 के नाम से आप यहाँ पर मैं देख सकते हो। ये फुल कोर्स है, इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाहर आपको कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज, नोट्स, MCQs, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मैं मिल जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो पेपर 1 के कोर्सेज है, इसमें वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दी गई है, जो फॉर्म दिया गया है, आप उसमें फिल करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको EVS और मैथ्स अगर चाहिए तो आप ये भी खरीद सकते हो। सिर्फ आपको EVS और मैथ्स ये भी अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स खरीदने के लिए फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपकी पूरी मदद कर देगी इस कोर्स को परचेस करने में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, उसे फिल कर दीजिए, आपकी पूरी मदद कर दी जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप help@gradeup.co पर हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमें इन दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, जहाँ पर आपकी पूरी मदद, पूरी हेल्प कर दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, लेकिन इंडिकेटर्स को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें एसिड्स और बेसिस के बारे में पता होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने एसिड और बेसिस के बारे में पहले भी पढ़ चुका है, तो आज हम बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही छोटे से में एसिड और बेसिस को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें इंडिकेटर्स अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, एसिड और बेसिस होते क्या है? अगर हम बात करें एसिड और बेसिस की, तो एसिड और बेस कुछ स्पेशल काइंड के केमिकल्स होते हैं। इन्हें कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करने का, पीएच स्केल। अब देखिए फ्रेंड, दुनिया में जितने भी लिक्विड है, जितने भी केमिकल्स है, हम उन्हें 0 से 14 की स्केल के ऊपर में माप सकते हैं। अगर किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 से कम है, मतलब 0 से 7 के बीच में है, तो वो लिक्विड, वो केमिकल एसिडिक कहलाता है। अगर से किसी केमिकल की वैल्यू 0 पीएच से 7 पीएच के बीच में है, 0 से ज़्यादा, 7 से कम, तो वो एसिडिक कहलाएगा। अगर किसी केमिकल की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है और 14 से कम है, 7 से ज़्यादा 14 से कम, तो वो लिक्विड या वो केमिकल बेसिक कहलाता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, हो सकता है कि यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो एसिड का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होता है। दुनिया में जितने भी सॉल्यूशन है, वो सभी 0 से 14 के स्केल पर आ जाते हैं। और दुनिया में जितने भी केमिकल्स है, वो या तो एसिडिक होते हैं, या वो बेसिक होते हैं, या वो न्यूट्रल होते हैं। अब हमने देख लिया कि 0 से ज़्यादा 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है और 14 से कम है अगर से पीएच वैल्यू, तो वो सॉल्यूशन या वो केमिकल बेसिक होता है। लेकिन अगर किसी केमिकल का या किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 है, तो वो न्यूट्रल रहता है, ना तो वो एसिडिक रहता है, ना ही वो बेसिक रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमने क्या देखा, एसिड ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 0 से ज़्यादा 7 से कम होती है, और बेस ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है और 14 से कम होती है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होती है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल,
डिस्टिल्ड वाटर जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमने एसिड्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि एसिड्स होते क्या है। नाउ फ्रेंड्स, एसिड और बेस के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि हमें इंडिकेटर समझने में और आसानी हो जाए। एसिड टेस्ट में सार होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये नींबू की डायग्राम दी गई है, तो जो लेमन होता है, लेमन का जूस जो होता है वो सार होता है, मतलब वो ये एसिड है। ओके, तो एसिड टेस्ट में सार होते हैं और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर में सोप की डायग्राम देख पा रहे हो। ओके, सो सोडा, सोप, ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेस्ट में बिटर होती है और जो बेसिस है इनका भी टेस्ट बिटर होता है। तो एसिड टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे ही फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एसिड और बेस को एक साथ मिला दोगे तो क्या होगा? जब भी आप एसिड और बेस को एक साथ मिला देते हो तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन बनता है वो ना तो एसिड रहता है ना ही बेस रहता है, बल्कि वो सॉल्ट और वाटर का मिक्सरण रहता है, मिक्सचर रहता है। ओके, जो न्यूट्रलाइज होता है वो उसमें सॉल्ट होता है और वाटर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सॉल्ट कोई भी हो सकता है और वाटर तो आप जानते ही हो। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, हमने देखा था कि एसिड्स जो है वो टेस्ट में सार होते हैं और बेस टेस्ट में बिटर होते हैं। तो कितना इजी है ना कि हमें पता करना हो कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, बस उसे टेस्ट कर लो। बट ऐसे समय में जबकि हम उस सब्सटेंस को टेस्ट ना कर पाए, तब हम कैसे पता करेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है? और कुछ समय ऐसे भी हो सकता है कि कोई सब्सटेंस हम टेस्ट करें और वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। तो हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा जिससे हम पता कर सकें कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। चलिए देखते हैं कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है ये पता लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है, बाय चेंजिंग देयर कलर्स। अब इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टर्मरिक पाउडर के बारे में, लिटमस के बारे में और चाइना रोज पेटल्स के बारे में। और हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन के बारे में जानेंगे कि फिनोफ्थलीन किस तरह से इंडिकेटर का काम करता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लिटमस टेस्ट क्या होती है। हम जितने भी इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसमें सबसे कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर्स। अब सवाल उठता है कि ये लिटमस पेपर हमें मिलते कहाँ से है? तो हम इन लिटमस पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लिटमस पेपर काम किस तरह से करते हैं। हमारे पास में दो कलर के लिटमस पेपर्स अवेलेबल है, एक है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, जैसे कि आप यहाँ पर मैं डायग्राम में देख सकते हैं। जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप किया तो उसका कलर चेंज हो गया रेड में। बट अगर हम इसी ब्लू लिटमस पेपर को किसी बेस में डिप करेंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब बेस इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया रेड में, तो हम समझ जाएंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है। वैसे ही अब हम लेते हैं रेड लिटमस पेपर। जब हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, मतलब कि एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। वही अगर हम इस रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हमने रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप किया तो उसका कलर यहाँ पर में चेंज हो गया ब्लू में, ठीक है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब सवाल उठता है कि जब हम इन लिटमस पेपर्स को, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर को, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा? तो जब भी हम रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उन दोनों में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन
लिटमस पेपर को किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब यहाँ आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। सपोज कीजिए कि मैंने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसे एक सॉल्यूशन में डिप किया, जिस वजह से इस ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज हो गया। ओके, अब आपको बताना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। वेरी गुड, ये है एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो गया है। एक और टेस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं एक रेड लिटमस पेपर मैंने लिया और एक सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, जिस वजह से इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। वेरी गुड, ये सॉल्यूशन है बेस, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आपने समझा कि लिटमस पेपर का हम इस्तेमाल करके हम किस तरह से कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है पता कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं हमें दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस होने की वजह से ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ब्लू लिटमस पेपर को ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये एक एसिड है और हम जानते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है। उसी तरह से विनेगर एक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। तो आप जो भी बहुत कॉमन एसिड्स और बेस है उसे याद कर लीजिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। अभी हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, तो लिटमस पेपर पर बेस्ड ही एक क्वेश्चन सितंबर 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह का था, अ स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर, ही वुड ऑब्जर्व दैट। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है या फिर बेस है। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हम जानते हैं कि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, देर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि बेस ब्लू लिटमस पेपर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्वेश्चन जुलाई 2013 में पूछा गया था। अब देखिए, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और हम जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसे एक एसिड में डिप करते हैं। अब इनमें से जो भी एसिड होगा वो इसका आंसर होगा। कॉपर ऑक्साइड एसिड नहीं है, बेस है। आयरन ऑक्साइड भी बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेस है। यहाँ पर में जो एसिड है वो है सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक सॉल्यूशन या फिर टर्मरिक पेपर। हम जानते हैं टर्मरिक येलोइश कलर का होता है और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसे इंडिकेटर के तौर पर किस तरह से यूज किया जाता है। जब भी हम टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस येलो टर्मरिक का कलर रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी हम बेस में इसे ऐड करेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। वही अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में हम इसे डिप करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होता और ये येलो ही रहता है, ठीक है। और अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसे डिप करते हैं तब भी इसका कलर में कोई चेंज नहीं आता और ये येलो ही रहता है। मतलब ये सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है और एसिडिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। चलिए टर्मरिक इफेक्ट पर एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर मैं हमें दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम टर्मरिक पाउडर या फिर टर्मरिक पेपर डालेंगे तो टर्मरिक का कलर चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर से चेंज होगा तो कौन से कलर में चेंज होगा, आप बताइए अभी। वेरी गुड,
हम जानते हैं कि जब भी हम बेस में टर्मरिक पाउडर या फिर टर्मरिक पेपर को डालते हैं तो टर्मरिक का कलर येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एसिडिक एसिड में बताइए कि टर्मरिक का कलर चेंज होगा या नहीं होगा। वेरी गुड, यहाँ पर में कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि एसिड के साथ में टर्मरिक पाउडर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, उसे रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर में टर्मरिक येलो ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन, आप बताइए विनेगर के साथ, और विनेगर भी एक एसिड है। वेरी गुड, हम जानते हैं कि विनेगर में भी कोई कलर चेंज नहीं होने वाला, वो येलो ही रहेगा। फेब्रवरी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अ बॉय हैज अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक, ऑन एडिंग दिस पेस्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेटली, व्हाट कलर्स ही ऑब्जर्व। सबसे पहले उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स किया, उसके बाद में उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स किया। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। हमें पता है कि टर्मरिक सिर्फ बेस को रिएक्ट रिस्पॉन्स करता है, एसिड को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो सबसे पहला ऑप्शन येलो इन बोथ केसेस, देखिए येलो तो नहीं होगा, हमें पता है कि जब भी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो इसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता है और बेस में इसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। पिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लू इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, और ब्लू इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए हम कितने ईजीली इसका आंसर दे पाए, तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं अटेंशन देके पढ़ना है, एक से दो बार आप वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, आप बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है चाइना रोज पेटल, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम चाइना रोज पेटल को किस तरह से इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हम किसी सॉल्यूशन में चाइना रोज पेटल को डालेंगे, अगर से उस सॉल्यूशन का कलर डार्क पिंक में चेंज हो गया तो हम समझेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये है एसिडिक सॉल्यूशन। अगर वही हमने एक सॉल्यूशन में चाइना रोज पेटल को डाला और उसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में, तो हम समझेंगे कि इस सॉल्यूशन का नेचर है बेसिक, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क पिंक को हम मजेंटा कलर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज ना होइए, अगर क्वेश्चन में डार्क पिंक की जगह मजेंटा आता है तो आप मजेंटा को टिक कीजिए। और वही अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए आपके एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर से चाइना रोज पेटल को डालेंगे तो क्या होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है हम जानते हैं, तो आप बताइए मुझे कि क्या चेंज होगा। वेरी गुड, इसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि चाइना रोज पेटल को अगर हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर सॉल्यूशन बेस है तो उसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है। अब आपके लिए दूसरा सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या चेंज होगा। वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और हमने अभी देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, अगर उसमें हम चाइना रोज पेटल डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा डार्क पिंक या फिर मैजेंटा कलर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर, आप बताइए विनेगर में अब क्या होगा। विनेगर में भी इसका कलर डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा क्योंकि विनेगर भी एक एसिड है। तो आई होप कि आपको समझ गया कि ये चाइना रोज पेटल का इफेक्ट किस तरह से होता है। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब चलिए जानते हैं कि फिनोफ्थलीन के जरिए हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन बेसिक है या फिर एसिडिक। जब भी हम एक बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन को ऐड करते हैं तो ये हमें एक पिंक कलर देता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सपोज इस बीकर में पहले बेस था, जब हमने फिनोफ्थलीन ऐड किया तो इसका कलर चेंज हो गया पिंक में। वैसे ही अगर हम एक एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन को ऐड करते हैं तो ये हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन देता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर में कलर कोई भी कलर नहीं आया यहाँ पर में, ठीक है। तो
तो जब हम बेस में ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर देगा, और जब हम एसिड में ऐड करेंगे तो ये कलरलेस रहेगा। हमें ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इस बार भी हम एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से हमारे माइंड में फिट हो जाए कि फिनॉफ्थलीन के इफेक्ट किस तरह से होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इस पर फिनॉफ्थलीन का क्या असर होगा, आप बताइए। वेरी गुड, यहाँ पर मैं कलर जो है वो पिंक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि फिनॉफ्थलीन को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कलर पिंक में चेंज हो जाता है, वो हमें पिंक कलर देता है। आपसे अगला सवाल है कि आप बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिनॉफ्थलीन हमें कौन सा कलर देगा, बताइए। वेरी गुड, ये कलरलेस रहेगा, क्योंकि हमने देखा एसिड में जब हम फिनॉफ्थलीन को ऐड करते हैं तो ये हमें कलरलेस सॉल्यूशन देता है। थर्ड क्वेश्चन है आपसे कि विनेगर में ये कौन सा कलर देगा, आप बताइए। विनेगर में भी ये कलरलेस रहेगा क्योंकि विनेगर भी एक एसिड है। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि फिनॉफ्थलीन का इफेक्ट किस तरह से होता है। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सितंबर 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन इज, यू हैव फिनॉफ्थलीन इन थ्री टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी। ऑन पुटिंग टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन बी एंड डिस्टिल्ड वाटर इन सी, इफ़ यू ऑब्जर्व द कलर इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स यू विल फाइंड दैट द सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज, और हमें इस ऑप्शन में से इन ऑप्शन में से चूज करके करेक्ट आंसर बताना है। अब हम जानते हैं कि फिनॉफ्थलीन किसके साथ में रिएक्ट करता है, जब वो बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें पिंक कलर देता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस सॉल्यूशन देता है, और जब वो डिस्टिल्ड वाटर जो कि न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है उसके साथ में रिएक्ट करेगा तो भी हमें कलरलेस सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब ए की बात करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड है, तो इसका जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा कलरलेस। ठीक है, एक आंसर होना चाहिए कलरलेस। अब बी जो है उसमें हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम फिनॉफ्थलीन डालते हैं तब वो हमें पिंक कलर देता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बी का कलर होना चाहिए पिंक, और डिस्टिल्ड वाटर वाले जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कलर होना उसमें होना चाहिए कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए में होगा कलरलेस, बी में होगा पिंक, और सी में होगा कलरलेस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे कौन से वाले ऑप्शन में ये वाला कॉम्बिनेशन दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे ऑप्शन ए में ये दिया है, ए इज कलरलेस, बी इज पिंक, एंड इन सी इज कलरलेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।